मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखा, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सैलून खोलने के लिए क्या हमको सारी सर्विसेज आना जरूरी है। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं सारी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज की बात कर रही हूँ। एक्चुअली सैलून इंडस्ट्री में सर्विसेज को चार सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन वन हेयर, सेक्शन टू स्किन, सेक्शन थ्री बॉडी एंड सेक्शन फोर मेकअप। सो जो भी हेयर से रिलेटेड काम होता है वो हेयर सेक्शन में माना जाता है, जो भी स्किन से रिलेटेड काम होता है यानी हमारे फेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम उसको स्किन सेक्शन में डालते हैं, और जो भी काम हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल बॉडी वैक्स हो गया, बॉडी पॉलिशिंग हो गया, ये हम बॉडी सेक्शन में डालते हैं, और जो भी हमारा मेकअप होता है उसको हम मेकअप सेक्शन में डालते हैं। तो ये चार सेक्शंस होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं सैलून इंडस्ट्री में, ये चार तरह की सर्विसेज होती हैं। अब आप ये पूछ रहे हो कि क्या हमें ये चारों जो है सर्विसेज में एक्सपर्ट होना जरूरी है सैलून खोलने के लिए। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सपर्ट होना तो जरूरी है। अब चाहे आप खुद एक्सपर्ट बनो, खुद इतने कैपेबल बनो कि आप खुद एक्सपर्ट एडवाइजेस दे सको अपने क्लाइंट को, या आप किसी एक्सपर्ट को हायर करो जो आपके बिहाफ पे, आपके बदले आपके क्लाइंट्स को एक्सपर्ट एडवाइजेस दे सके। जब क्लाइंट हमारे सैलून में आता है तो क्लाइंट हमारी आंखों में देखकर बात करता है। अगर हमारा वहां पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ हो या लो होगा तो क्लाइंट हमसे सर्विस नहीं लेगा। उसको कहीं ना कहीं जो है उसको वो वाली वाइब्स आ जाएंगी कि भाई ये लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपने यहाँ की सर्विसेज को लेके। तो क्लाइंट क्या है, सिर्फ प्राइजेस पूछ के आपका इधर उधर सैलून देख के वापस चला जाएगा कि भाई इनके बस की नहीं है मेरी, मुझे सर्विसेज देना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके यहाँ से सर्विस ले तो सबसे पहला जो चीज होती है जब क्लाइंट आता है तो वो होता है इंटरेक्शन। ठीक है, वो होता है कंसल्टेशन, वो होता है क्लाइंट को एडवाइस करना। उस चीज में हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो काम आता है, और कॉन्फिडेंस हमारा बिना सीखे बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलके तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ, जिस दिन आपको नॉलेज हो गई, जिस दिन आपके अंदर जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उस दिन हर क्लाइंट आपसे सर्विस लेना चाहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्लाइंट आए तो आपके रिसेप्शन पे ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए क्लाइंट को अटेंड करने के लिए जो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो सर्विसेज को लेके, जिसको काफी डीप नॉलेज हो, जिसको पता हो कि एक्चुअली क्या सर्विस देनी है, कौन सी सर्विस देनी है, कैसे सर्विस देनी है। अब ये काम आप भी कर सकते हो और आपका स्टाफ भी कर सकता है। तो अगर आप खुद केपेबल नहीं हो, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप एक्सपर्ट स्टाफ को हायर करो जो आपके बदले वो वाला काम करे। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको टाइम लगा के सब कुछ सीखना पड़ेगा ताकि आप ढंग से क्लाइंट को एडवाइस कर सको और उनकी बेटर सर्विसेज आपके सैलून से होकर जाए। सो दिस इज द ओनली थिंग विच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन सैलून्स। अब आप सोचते होंगे कि एक एरिया में एक सैलून बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा सैलून जो है वो खाली है, तो क्या होता है कि जो सैलून बहुत अच्छा चलता है ना उनके जो स्टाफ का कॉन्फिडेंस होता है या ओनर का जो कॉन्फिडेंस होता है उसका लेवल अलग होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो दूसरे सैलून्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही डगमगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट सिर्फ आता है, पूछता है, बात करता है और चला जाता है बिना सर्विस लिए। क्यों? क्योंकि वो उस ओनर में, जो उस सैलून का मालिक है, उसके अंदर ना वो वाली बात नहीं देखते। अब वो जो ओनर होता है वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता सर्विसेज को लेके, तो क्लाइंट क्या होता है बात करके चला जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने आप का आपके एरिया में आपका बेस्ट सैलून हो, बेस्ट सर्विसेज, तो उसके लिए आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। क्वालिफाई से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये नहीं कह रही हूँ। अपनी इंडस्ट्री की के लिए आप वेल क्वालिफाइड हो। जब आप वेल क्वालिफाइड होंगे तो आप अच्छे से अपने क्लाइंट को कंसल्ट कर पाओगे। जितना कॉन्फिडेंट हम लोग होते हैं ना उतने बढ़िया से हम अपनी सर्विसेज को सेल कर पाते हैं, और वो कॉन्फिडेंस जो है टाइम के साथ आता है, काम करने के साथ साथ हमारे अंदर जो है बिल्ड होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कॉन्फिडेंस कोई ऐसा चमत्कार है कि कोई आपके अंदर ऐसे फूंक देगा, नहीं, वो बिल्ड होता है। बिल्ड मतलब
हल्के हल्के पनपता है हमारे अंदर जब हम उस काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उस काम किसी काम को भी अगर हम बार बार करेंगे तो एक ऐसा समय आता है कि हम उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो मैंने इतनी बार किया हुआ है, अब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो वाली चीज जो है वो कर करके आने से होती है, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो वो परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस के साथ आता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कॉमेंट्स में बोलते हैं कि मैम हमने यहाँ से कोर्स किया हमें कुछ नहीं आया। आप ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आया, आपको आया है लेकिन अभी आपको और काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको ऑफ अकेडमी काम करना है। पहले क्या है, आप इन अकेडमी काम कर रहे थे जहां आपके सर पे कोई था जो आपको हमेशा गाइड करता रहता था, वहां तो हो जाता था। अब क्या है, अब आपके सर पे कोई नहीं है, अब आपको जो भी करना है खुद से करना है। तो कोई नहीं, यही तो है ना, अब आपको खुद से करना है। तो अब आप जितना भी काम करोगे ये आपके एक्सपीरियंस को भी ऐड करेगा, आपकी नॉलेज को डीपन करेगा, ठीक है, इनहेंस करेगा, जिससे आप हर क्लाइंट को अटेंड करने के केपेबल होंगे। हर तरह का क्लाइंट, हर तरह के स्किन, हर तरह का हेयर जो है आप हैंडल कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि ऑफ अकेडमी यानी अकेडमी छूटने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाए। आई होप मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह से आप दूसरों से हटके हो सकते हो, किस तरह से पूरे एरिया में आपका सैलून बेस्ट हो सकता है, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है और क्यों आपका सर्विसेज का आना जरूरी है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल गया होगा कि एक्सपर्ट होना तो वो डेफिनेटली जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारी तबीयत खराब होती है हम जल्दी से डॉक्टर की तरफ भागते हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो रही होती है, हमारे को एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हमको जुकाम हो गया, ठंडी लग गई या हमको फीवर हो गया, तो हमको लगता है कि यार जल्दी से ट्रीटमेंट ले लो ताकि हम ठीक हो जाएं। इसी तरह से जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसको सुंदर दिखना है, ठीक है, उसके यहाँ शादी है तो वो कलर कराना चाहता है, वो वैक्स कराना चाहता है, वो अच्छा दिखना चाहता है। तो अगर आप उसको अच्छा नहीं दिखा पा रहे हो, उसका कलर सही नहीं कर पा रहे हो, उसको स्किन सर्विसेज अच्छी नहीं दे पा रहे हो, तो क्लाइंट क्या है, निराश हो जाएगा। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे अगर उसने आपको सही से डायग्नोज नहीं करा, सही दवाई नहीं दी, तो क्या आप उसके पास दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे ना। ऐसे ही जब आपका क्लाइंट आएगा और आप उसको अच्छी सर्विसेज नहीं दोगे तो क्या वो दोबारा आएगा? तो क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज देने के लिए हमारा खुद का एक्सपर्ट होना, हमारा काम को सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज टाइम लगाइए और अपने मतलब वेल क्वालिफाइड बनिए सैलून इंडस्ट्री में और इतनी केपेबल बनिए कि आप अच्छी एडवाइस दे सके, सही एडवाइस दे सके, जिससे आपके क्लाइंट की सारी सर्विसेज जो है वो ऐसे होकर जाए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी और डाउट के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।